हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम चाट मसाला बनाएंगे। चाट मसाला वैसे तो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, पर क्या आपको पता है कि हम इसे घर पर भी बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाट मसाले का यूज़ चाट में तो होता ही है, साथ ही आप इसे सैलेड में, फ्रूट्स में, दाल में, पुलाव में या फिर पीनट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चाट मसाला बनाना शुरू करते हैं। चाट मसाला बनाने के लिए मैंने ये आधा कप जीरा ले लिया है, 1/4 कप काली मिर्च ले ली है, 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1 बड़ी चम्मच सौंठ ली है, इसे हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं, 1.5 बड़ा चम्मच काला नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियां ले ली हैं, 1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये 1/2 छोटी चम्मच हींग ले ली है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 1/2 कप जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लगातार इस तरह चलाते रहेंगे ताकि हमारा जीरा इवनली भुन जाए, पर मेक श्योर कि हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखेंगे क्योंकि जीरा हाई फ्लेम पर बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो ये मैंने लगभग 5 मिनट जीरे को अच्छे से भून लिया है और जीरे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और अब हम इसी पैन में 1/4 कप काली मिर्च डालेंगे और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो ये मैंने काली मिर्च को भी 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसे भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो अब हम इसी पैन में 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1.5 बड़ा चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच सादा नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच सौंठ या फिर जिंजर पाउडर डालेंगे, 1/2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच सूखी हुई पुदीना की पत्तियां डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश पुदीने की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। और हम लास्ट में इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और सारे मसालों को 1/2 से 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इन्हें हम बस उतना ही भूनेंगे जब तक इनमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो आप चाहें तो इन मसालों को ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर क्योंकि अगर आपको मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप इसे थोड़ी सी धूप लगा लें या फिर इस तरह हल्का सा भून लें। ऐसा करने से हमारा मसाला काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता। तो ये मैंने इन सारे मसालों को भी हल्का सा भून लिया है, तो अब हम इन्हें भी प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो ये हमारे सारे मसाले भुनकर रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं इन्हें ग्राइंड करने के प्रोसेस में। तो अब हम इन सारे मसालों को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने सारे मसालों को एकदम बारीक पीस लिया है। तो ये हमारा चाट मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप इस चाट मसाले को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप इस चाट मसाले को पकौड़ों के ऊपर, चाट के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर या फिर सैलेड के ऊपर डालकर खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।